मजदूरों का दिल्ली और अन्य राज्यों से आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उनके साथ लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा नरसिंहपुर में सामने आया, जहां पर मजदूरों से भरी एक बस पलट जाने से उसमें सवार कई मजदूर घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नरसिंहपुर के बराज गांव में बुरहानपुर से सीधी जा रही मजदूरों से भरी बस टायर फट जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 44 मजदूर सवार थे। ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे हुए मजदूरों को निकाला गया। प्रशासन ने 18 मजदूरों को जिला अस्पताल भेजा है, वहीं 4 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल मजदूरों का इलाज जिला अस्पताल नरसिंहपुर में किया जा रहा है। सभी मजदूर महाराष्ट्र के मुंबई से पैदल बुरहानपुर आए थे, जिनको सीधी कलेक्टर द्वारा बस से बुलाया जा रहा था, तभी ये बस नरसिंहपुर के बराज गांव में पलट गई। अभी एक घंटे पहले मजदूरों से भरी बस, उसका टायर बस्ट हो गया था, उससे एक्सीडेंट हो गया है। यह बस बुरहानपुर से सीधी जा रही थी, जिसमें बॉम्बे से प्रवासी मजदूर जो बुरहानपुर पहुंचे थे, इनको एक बस में भरकर कलेक्टर महोदय द्वारा व्यवस्था की गई थी सीधी पहुंचाने की। और ये जब बस में टायर उसका फटा, एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें 18 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोग गंभीर हैं, बाकी स्वस्थ हैं।